Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, आज हम दाल वड़े बनाने वाले हैं और बारिश के दिनों में दाल वड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं. दाल वड़े बनाने के लिए जो सामान चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ. ये हमने चना दाल ली है, एक कप. 3/4 कप हमने काली कटी हुई दाल ली है. 1/4 कप हमें उड़द की दाल चाहिए, सफ़ेद वाली. और इसके साथ सिंपल मसाले हमने लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक और ये मोटा पीसा हुआ हमारा धनिया पाउडर है. इसके अलावा हमें हरा धनिया चाहिए होगा 1 बाउल. एक हमने बड़ा प्याज लिया है, इसे छोटा छोटा काट लिया है. लहसुन लिया है 1 पाउंड पूरा, उसको हमने छील के धो लिया है. हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिए है, 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली है. और 1 टेबलस्पून हमने लेमन जूस लिया है, अदरक लिया है, 1 इंच पीस को हमने ग्रेट कर लिया है. तो चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं. फिर सबसे पहले ये हमने तीनों दालों को मिक्स करके भिगो देना है रात को. ओवरनाइट हमें भिगोना है और मॉर्निंग में अच्छे से फिर दोबारा से धोकर और पानी सारा निकाल देना है और फिर उसको हमें ग्राइंड करना है. ये प्रोसेस मैंने करके रखा हुआ है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दाल मैंने रात को भिगो दी थी और ये देखिए फूल कर इतनी हो गई है. और अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर में. उसके लिए हम जार लेते हैं बड़ा वाला, इसके अंदर हम दाल को डालेंगे. पहले आधी दाल को हम ग्राइंड करेंगे. इसको हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनानी, थोड़ा मोटा रखना. प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची जाएगी, अदरक और इसमें हम लहसुन डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे. इसको हमें कोर्स ग्राइंड करना है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दाल को कोर्स पीस लिया है. ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट नहीं है, थोड़ा हल्का मोटा है. और इस तरीके से आपको सभी चीज़ें मिक्स करके पीस लेना है. अभी इसमें मसाले ऐड करेंगे. मसालों में हम नमक ऐड करेंगे. ये टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कीजिए, क्योंकि ग्राइंड करते हुए हमें थोड़ा सा इसमें डालकर हमने ग्राइंड डाल सकते हो. 1 टीस्पून जितनी मिर्ची डाली है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून जितना और 1/2 टीस्पून जितना हम इसमें मोटा पिसा हुआ धनिया डालेंगे. 1/2 टीस्पून जितनी हम इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टेबलस्पून जितना हम नींबू का रस ऐड करेंगे. और इसमें हम गरम तेल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून. अभी इसको मिक्स करना है, सब मसाले मिक्स करने हैं. अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है दाल वड़े का. तो अभी हम फ्राई करने के लिए तेल रखते हैं और फ्राई करते हैं अपने दाल वड़ों को. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दी है, ऑयल को गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है. ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसे हमें तेज़ आंच पर गर्म करना है
और उसके बाद हम मिक्सचर लेंगे और हाथ से छोटे छोटे गोले बनाते हुए तेल में छोड़ेंगे। ये हाई पर हमारी गैस है और स्टार्टिंग में हमें हाई पर रखकर वड़े डालने हैं। इस तरीके से हाथ में लेते हुए छोटे छोटे हम तेल में डाल के वड़े छोड़ेंगे और जब ये पूरे हम डाल लेंगे तब इसको मीडियम कर देंगे। तो ये हमने वड़े डाल दिए हैं, तो अभी हम गैस को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मीडियम आंच पर हमारे वड़े पक रहे हैं और हमें बहुत बड़े बड़े वड़े नहीं बनाने, मीडियम साइज़ के ही वड़े हमें बनाने हैं ताकि वो अंदर तक पक जाएं। तो ये मीडियम आंच पर इसको ब्राउन होने तक हम पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको हल्का सा आगे पीछे करते रहना है ताकि सब तरफ से ही पक जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे वड़े जो हैं वो पक गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इनको धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। आप इनको निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख सकते हो ताकि जितना ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाए। अभी हम इसे टिश्यू पेपर पर शिफ्ट कर देंगे। एक बार और डालते हैं। हाई पर डालकर उसके बाद हमें मीडियम कर देना है और ज़रूरत पड़ने पर स्लो कर देना है। हमारे दाल वड़े ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। अभी हम इसे निकालेंगे धीरे धीरे करके और टिश्यू पेपर पर रखते जाएंगे। गैस को ऑफ कर देंगे, अभी हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिलीशियस दाल वड़ा इज़ रेडी टू सर्व। तो ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। इनको हम हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे और साथ में हमने हरी मिर्च को तल लिया है और तलने के बाद इसके ऊपर नमक और थोड़ी सी हींग डाल के इसको हम दाल वड़े के साथ सर्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।